दोस्तों, जैसा कि एवरी थर्सडे को क्लोज बीटा अपडेट देखने को मिलती है और इस वीक देखने को मिलेगी 9.6.13 की। तो अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स में ले जाकर अबाउट फोन में दिखा देता हूँ सिस्टम अपडेट में, तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अभी हम लोग जो वर्सन अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं 9.6.10 देखने को मिल जाती है क्लोज बीटा रो में, मंडे को देखने को मिली थी। और इसमें हम लोग काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिली थी जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को डेडिकेट वीडियो बनाई थी। तो अगर आप लोग हमारी बीटा वाली वीडियो को नहीं देखते हैं तो प्लीज़ जाकर देखा करिए, लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि बीटा में जो फीचर्स देखने को मिलती है वो मैं सबसे पहले आप लोगों के संग में डिस्कस करता हूँ और वो सारे फीचर्स स्टेबल में आप लोगों को एक या दो महीना में या फिर अपकमिंग जो अपडेट आती है स्टेबल में उनमें सारी देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर रेडमी नोट डिवाइस मॉडल आप लोगों को रेडमी नोट 5 प्रो देखने को मिल जाती है, एंड्रॉइड वर्सन 5 देखने को मिल जाती है और मी वाई 10 ग्लोबल 9.6.10 बीटा देखने को मिल जाती है। आज हम लोगों को 9.6.13 की अपडेट देखने को मिलेगी, किन किन डिवाइसेज में देखने को मिलेगी गाइस इसकी सारी जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ रेडमी नोट 6 प्रो में ये अपडेट देखने को नहीं मिली है। रेडमी नोट 6 प्रो में वीकली अपडेट लास्ट अपडेट 9.5.30 की है, सभी डिवाइसेज में लास्ट वीकली अपडेट 9.5.30 की है। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब गाइस यहाँ पर मी कम्युनिटी पर ऑफिशियल थ्रेड निकल के आई है, स्नीक पीक निकल के आई है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी क्या क्या चेंज देखने को मिलने वाली है, बग फीचर्स क्या क्या होने वाली 9.6.13 की। तो हाईलाइट फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलती है ऑप्टिमाइजेशन बग फीचर्स में ऑप्टिमाइज स्क्रीन एडिटिंग एक्सपीरियंस। स्क्रीनशॉट लेते हैं, थ्री फिंगर से यहाँ से कैप्चर करते हैं तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेगी, स्क्रॉल और सेंड। स्क्रॉल करेंगे यहाँ से तो जितनी भी हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल वाली है इस पेज में जितनी भी पेज आप लोगों को देखने को मिल रही है वो सारी यहाँ पर स्क्रॉल हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाती है सेंड, यहीं से सेंड करके हम लोग अपने इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं। अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ऑप्टिमाइज फास्ट रिप्लाई फंक्शन सपोर्ट फ्लोटिंग विंडो टू ओपन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे हम लोग क्यूक रिप्लाई की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, ये ऑप्शन पहले भी देखने को मिलती थी रिप्लाई करने पर हम लोग यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते थे। लेकिन इसके बाद अगली फिक्सेस की बात कर लेते हैं तो इनकरेक्टली टचिंग द नोटिफिकेशन बार ड्यूरिंग अ कॉल ओकेशनली। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉल पर बात कर रहे हैं, जब हम लोग अपने फ़ोन से बात करते हैं तो हमारी यहाँ स्पीकर जो है अपने कान के पास होती है, तो उस वक्त हम लोग की जो फेस की चीन है उस चीन से यहाँ पर स्टेटस बार में काफ़ी बार यहाँ पर टच होती थी और जिस टच की वजह से कभी कभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी, कभी कभी कोई ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाती थी, सेटिंग की पेज ओपन हो जाती थी। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी जिसे इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा जब 9.6.13 की अपडेट देखने को मिलेगी आप लोगों के डिवाइस में। अगले फीचर्स की बात कर लें तो द स्क्रीन फिंगरप्रिंट टच नॉट डिस्प्ले। तो अगर आपके डिवाइस में यहाँ फिंगरप्रिंट की आइकन देखने को नहीं मिलती थी तो यहाँ पर अब उसे देखने को मिल जाएगी, या फिर हो सकता है कि जिन डिवाइसेस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उन डिवाइसेस में अगर फिंगरप्रिंट की आइकन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी तो उसे इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। तो हमारे डिवाइस में तो इन डिस्प्ले वाली फिंगरप्रिंट है नहीं और यहाँ पर कोई पहले भी हम लोग यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट की आइकन देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जिन डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम थी उसमें ये फिक्स कर दिया जाएगा। तो अगली फीचर्स की दोस्तों बात करते हैं तो कैलेंडर में देखने को मिलेगी डिटेल सिंक ऑफ इवेंट्स फॉर इंडिया ऑप्टिमाइजर इन एवरी बर्थडे। तो जब आप लोग कैलेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सिंकिंग की इशू देखने को मिलती थी, बग उसमें देखने को मिलती थी, जिसे इस अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो फेसबुक वाली बर्थडे आप देख रहे हैं यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन को एनहेंसमेंट को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो अगर आप लोग फेसबुक में और मी कैलेंडर में ये दोनों ऑप्शन को अगर सिंक करके रखे हुए तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। अगले फीचर्स की दोस्तों बात कर लेते हैं तो सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन एंड असिस्टेंट पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगी ब्लर ऐप प्रीव्यूज। तो इस ऑप्शन में अगर आप लोग जाएंगे गाइज तो आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिली वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर सपोर्ट होती दिख जाएगी और यहाँ पर जिस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे इनेबल कर देंगे तो गाइज रिसेंट में वो वाली एप्लीकेशन हम लोग को ब्लर देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा और कैलकुलेटर आप लोग यहाँ पर ब्लर देखने को मिल रही है और मैं यहाँ से टेलीग्राम को भी यहाँ से कर देता हूँ और सेटिंग्स को भी गाइज मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। तो रिसेंट में लेकर अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग वाली जो मेन्यू की आइकन है रिसेंट मेन्यू में ब्लर देखने को मिल रही है और कोई भी यहाँ पर आइकन आप लोगों को ब्लर देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम ओपन करके दिखाता हूँ, रिसेंट में लेकर दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम भी ब्लर देखने को मिल जाती है, यानी जिस भी एप्लीकेशन को यहाँ से हम लोग इनेबल करेंगे वो हम लोगों को रिसेंट मेन्यू में ब्लर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये वाली फीचर्स तो हम लोगों को काफ़ी दिनों पहले देखने को मिल गई थी होम स्क्रीन लेआउट की, यहाँ पर हम लोग को 4x6 और 5x6 की सपोर्ट देखने को मिल गई है,
इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के फ़ोन में अभी तक ये सपोर्ट देखने को नहीं मिली है तो लॉन्चर की अपडेट आई है। फिर में जाएंगे और यहाँ पर अपडेट चेक करेंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगी आपकी लॉन्चर की, जिसमें हम लोगों को 4x6 से 5x6 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जिस ऑप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताए थे क्यूके प्राइस वाले, तो वो ऑप्शन हम लोग को एक्सप्लोर न्यू फीचर्स में देखने को मिल जाती है क्यूके प्राइस में। तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह के आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगी और यहाँ पर लगभग सभी एप्लीकेशन हम लोग को सपोर्टेड है और यहाँ पर क्यूके प्राइस ओपन इनेबल करने से यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये अपडेट कल फ्राइडे को रिलीज होगी पब्लिक बीटा में। और अगर आप लोग नाइट्रोजन को यूज इंस्टॉल करना चाहते हैं गाइस, तो मैंने उसके रिगार्डिंग कई बार बताया कि आप लोग उसे कस्टम रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ अपडेट से आप लोग इसे अपडेट नहीं कर सकते, चूस अपडेट पैकेज करके आप लोग अपने फोन को नाइट्रोजन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए गाइस आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल को दबा देना, ताकि आप लोग हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे।